गंगा दशहरा के दिन करें ये उपाय। माँ गंगा पतित पावनी हैं, गंगा स्नान से हर पाप धुलते हैं। जन्म दिवस के रूप में गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 16 जून को मनाया जाएगा। पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास है ये दिन। गंगा दशहरा पर रवि योग में किया गया काम फलित होगा। जिन लोगों के जीवन में धन संतान परिवार गरीबी और बीमारी की समस्या चल रही है, अगर वो लोग गंगा दशहरे के दिन कुछ खास उपाय करें तो जीवन सार्थक हो जाएगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा। सारे उपाय धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित तथ्यों पर आधारित हैं। जो महिलाएं शादी के बहुत दिनों बाद तक संतान सुख नहीं ले पाती, अगर वो इस दिन षोडशोपचार विधि से पूजा कर दीपदान करती हैं, साथ में गंगा स्तुति करती हैं, उनकी संतान संबंधी इच्छा पूरी होती है। माँ गंगा झोली में गुणवान पुत्र देती हैं। इस दिन अगर गंगा नदी में गंगा जल लेकर स्नान करें तो रोग का निवारण होता है। घर में गंगा जल छिड़कने और शिव भगवान पर चढ़ाने से महामारी बीमारी या फिर नकारात्मकता का नाम खत्म हो जाता है। जिन लोगों को नौकरी में समस्या है, प्राइवेट नौकरी में काम ज़्यादा और सरकारी नौकरी नहीं लग रही, उन लोगों को गंगा दशहरे के दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर ब्राह्मण को दान करने से नौकरी और बिजनेस संबंधी आर्थिक परेशानी का समाधान होता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा या जो सौभाग्य का वरदान चाहती हैं, वो इस दिन 16 श्रृंगार का सामान गंगा नदी में प्रवाहित करें या किसी पवित्र धाम पर गंगा नदी के पास रख दें तो जल्दी शादी होगी और सुहाग अमर रहेगा। गंगा दशहरे के दिन आम पीपल बरगद और बेल का पेड़ लगाएं तो दीर्घायु होते हैं, साथ में विद्या में बढ़ोतरी होती है। साथ में ऐसे लोगों को उम्र भर परिवार और संतान सुख मिलता है। अगर किसी को बाहरी साया भूत प्रेत से परेशानी हो रही है तो इस दिन गंगा स्तुति के साथ रवि योग में गंगा जल पीने से भूत प्रेत का डर नहीं रहता। इस बार गंगा दशहरा का दिन इन उपायों को करने से अति शुभ फलदायी है। इस दिन गुरु बकरी होंगे और शुभ फलदायी रहेंगे और कई शुभ परिणाम मिलेंगे। गंगा दशहरा माँ गंगा के अवतरण का दिन कहें या धरती पर माँ गंगा का जन्म दिवस या गंगा जयंती, इस दिन अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा को लाए थे। माँ गंगा को भागीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए धरती पर उतारा था। जब से आज तक माँ गंगा मनुष्य के पाप कर्मों को धोती रहती हैं। जो भी मनुष्य गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा या गंगा नदी में स्नान करता है, उसके सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं। गंगा के स्पर्श से मनुष्य को कई जन्मों का पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण आदि ग्रंथों में माँ गंगा की महिमा का बखान है। बताया गया है कि कैसे कालोकाल से माँ गंगा पतित पावनी धरती को पवित्र कर रही हैं, साथ में शिव भगवान कैसे माँ गंगा को अपनी जटा में धारण करते हैं। महर्षि व्यास ने गंगा की जलधारा और उसके रहस्य का बखान पद्म पुराण में किया। गंगा जल से लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है। सालों साल गंगा जल को रख लिया जाए तब भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। बोलिए गंगा मैया की जय।